Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture, we have covered about the event management और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म वैलिडेशन, राइट? तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा जो चेंज किया हूँ उसको दिखला देता हूँ कि यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था page.jsx के ऊपर में, उस कोड को उठा करके हमने एक नए कंपोनेंट के अंदर में डाल दिया है इवेंट डेमो नाम के कंपोनेंट में, राइट? और सेम कंपोनेंट यहाँ पे है और जब हम लोग इसको रन करते हैं तो अभी भी हम लोगों को सेम रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, राइट? इवेंट मैनेजमेंट। ऑल राइट, तो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का फॉर्म वैलिडेशन, राइट? तो फॉर्म वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर आते हैं और फिर से एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं फॉर्म वैलिडेशन, राइट? तो यहाँ पे मैंने नेम भी रख दिया फॉर्म वैलिडेशन .jsx, राइट? और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बॉयलर प्लेट ले आते हैं फंक्शनल कंपोनेंट का, और यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, राइट? और इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और इवेंट डेमो को अभी के लिए हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, राइट? और इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर्म वैलिडेशन। सो हेयर इज़ आवर फॉर्म वैलिडेशन and make sure that this is imported in our page. All right. और यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि user interaction तो होने वाला है, तो जो form validation होगा वो हमारा एक client component होना चाहिए, right? तो client component बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, तो एक directive use करते हो, use client, right? So we have created here the use client, right? अब देखो form को बनाने के लिए आप simple सा approach रखो, राइट? और जब सीखना ही है तो आप बेसिक से स्टार्ट करो और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप इसके कम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकते हो। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन का फर्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको अप्रोच बतलाता हूँ कि कैसे हम लोग फॉर्म वैलिडेशन का अप्रोच लेंगे, राइट? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं और एक सिंपल सा इनपुट बॉक्स और एक लेवल बनाते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फॉर्म, एंड फॉर्म के अंदर में हमें दो फील्ड चाहिए, राइट? तो दो फील्ड चाहिए, उसके लिए हम लोग बना लेते हैं दो डिवीजन, राइट? और इसके अंदर में हम लोग ले लेंगे लेबल, और फर्स्ट इनपुट जो लेना है वो है हम लोगों को लेना यूज़र नेम, राइट? तो यहाँ पे मैं लेबल देता हूँ यूज़र नेम, और इनपुट बॉक्स चाहिए इसके लिए तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इनपुट, एंड द टाइप इज़ टेक्स्ट। और सेकेंड फील्ड हम लोग ले लेते हैं मोबाइल नंबर, राइट? और टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं यहाँ पे। और जो थर्ड होगा वो हमारा सबमिट बटन होगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बटन, राइट? सबमिट फॉर्म, राइट? और यहाँ पे जो टाइप होगा उसको हम लोग कर लेते हैं सबमिट। ऑल राइट, तो अभी हम लोग चलते हैं पेज के ऊपर और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को मिल गया यूज़र नेम, मोबाइल नंबर एंड फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स है और इसका मोबाइल नंबर का इनपुट बॉक्स, राइट? तो इस पेज को थोड़ा सा हम लोग कस्टमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं हम लोग क्लास नेम, और यहाँ पर टेलविन कर लेते हैं कि मिनिमम बिर्थ हम लोग को कितना रखना है। सपोज़ मैक्सिमम बिर्थ कर लेते हैं, सो मैक्सिमम बिर्थ इज सपोज़ 4XL एंड देन MX ऑटो, तो ये हमको सेंटर में मिल जाएगा, राइट? और मार्जिन टॉप ऊपर से रखना है 20, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा फॉर्म। ऑल राइट, इसके लिए थोड़ा सा अगर हम लोग बीजी के ऊपर में काम करें तो बैकग्राउंड को कर लेते हैं ग्रे, एंड ग्रे कितना रखना है हम लोगों को, तो वो 200 रखते हैं। सो इट लुक्स लाइक दिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पैडिंग भी सेट कर लेते हैं, तो पैडिंग कर लेते हैं हम लोग 10, एंड मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सपोज 400 पिक्सल। सो लेट्स सी, दिस इज आवर फॉर्म। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं, राइट? तो बीजी को मैं कर लेता हूँ श्याम, एंड दिस इज सपोज 500, राइट? और अब देखते हैं थोड़ा सा लुक हम लोग का चेंज हुआ, राइट? तो यूज़र इंटरफेस तो आपको मिल गया। अब यहाँ पे जो भी चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि मुझे क्या रखना है, क्लास नेम
एंड यहाँ पे जो क्लास नेम रखेंगे उसको हम लोग कर लेते हैं फ्लैक्स। एंड हेयर इज आवर जस्टिफाई, जस्टिफाई बिटवीन एंड पी एक्स, पैडिंग एक्स डायरेक्शन में हम लोग कर लेते हैं 10। और हम लोग कर लेते हैं फ्लैक्स कॉलम, राइट। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा यूज़र नेम और टेक्स्ट बॉक्स। और सेम अप्रोच हम लोगों को अप्लाई करना है बाकी जितने भी डिवीजन हम लोगों ने क्रिएट किए हैं फील्ड्स के लिए, राइट। यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी, दिस इज़ आवर यूज़र नेम एंड मोबाइल नंबर। अब इसको भी आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हो कि नीचे में जो बटन है हमारा वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, एंड द क्लास नेम इज़, सबसे पहले तो मार्जिन टॉप सेट कर लो, मार्जिन टॉप मुझे 10 चाहिए, राइट। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फ्लेक्स एंड जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर, ऑलराइट। तो ये हम लोगों को सबमिट बटन मिल गया। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ये जो हम लोगों का सबमिट फॉर्म मिल रहा है बटन, इसका भी थोड़ा सा हम लोग बटन की तरह लुक दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, एंड द क्लास नेम हम लोग जो देंगे उसके लिए पी एक्स पैलेटीन कर लेते हैं, पी वाई टू कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कर लेते हैं हम लोग अभी के लिए सपोज ग्रीन, एंड ग्रीन 700, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो हमारा बेसिक सेटअप तो हो गया, अब हम लोगों को इसको वैलिडेट करना है, राइट। अब इनपुट बॉक्स वगैरह सबका जो फॉर्मेटिंग करना है वो मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग कर लेना इसको, राइट। हमारा जो मेन पर्पस है कि फॉर्म को हम वैलिडेट कैसे करेंगे, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं इसके वैलिडेशन के ऊपर में। वैलिडेशन में हम लोग बस सिंपल सा वैलिडेशन सेट करेंगे, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स वैलिडेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा काम है आपको बतलाना कि आप फाउंडेशन कैसे क्रिएट करोगे, कि कोई भी फॉर्म अगर बना रहे हैं तो उसको वैलिडेट कैसे करें, राइट। तो मेरा एक सिंपल क्राइटेरिया है कि यूज़र नेम और मोबाइल नंबर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर ब्लैंक होता है तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, राइट। सो बोथ आर द मैंडेटरी फील्ड। तो मैंडेटरी आप कैसे बतलाओगे कि ये हमारा फील्ड मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पे देखते होगे कि स्टार सिंबल रेड कलर में रहता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फील्ड, लाइक। तो मैं रिक्वायर्ड फील्ड तो आप HTML से भी डाल सकते हो उसका प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड वगैरह करके, लेकिन आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो जो डिपेंडेंट हो जाता है वो ब्राउज़र के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो किसी कारण से अगर वो बाईपास हो गया तो आपका इनवैलिड इन्फॉर्मेशन भी फॉर्म में सबमिट हो जाएगा, राइट। तो कभी भी जो आप अप्रोच को फॉलो करो तो उसमें कोशिश करो कि आप खुद का लॉजिक जो होता है वो लॉजिक खुद लिखो और उस लॉजिक के बेस पे फॉर्म को सबमिट करो, राइट। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, ऑल राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं फॉर्म के ऊपर में, और सबसे पहला काम हम लोग को चेक करना है कि फॉर्म सबमिट होता है तो क्या एक्शन लेना है। सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन। तो यहाँ पे आप कैसे फंक्शन बनाओगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑन सबमिट, राइट। और सबमिट के लिए हम लोगों को यहाँ पे करना है हैंडल फॉर्म, राइट। ये हमारा एक फंक्शन हो गया, और इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो हेयर इज आवर हैंडल फॉर्म एंड क्रिएट एन एरो फंक्शन, राइट। और सबसे पहले इसको टेस्ट करो कि आपका ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। सो हेयर इज़ फॉर्म सबमिटेड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट के ऊपर में तो ये मैसेज हमको मिलना चाहिए, राइट। तो देखो आप छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ना है यहाँ पे कि क्या हो रहा है एक्शन में, फिर आप इसको फिक्स कर सकते हो एरर को, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉन्सोल के ऊपर में, और कॉन्सोल पे ध्यान देते रहना है ठीक से कि जब मैं इस सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या एक्टिविटीज होते हैं इन द बैकग्राउंड। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो फॉर्म सबमिटेड आया और चला गया, क्योंकि फॉर्म जब हम लोग सबमिट करते हैं तो सबमिट का बिहेवियर है कि वी हैव टू सबमिट द फॉर्म, राइट। तो ये जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ये वैलिडेशन हमारा चेक होगा नहीं, राइट, क्योंकि अभी भी देखो ये ब्लैंक डेटा लेकर के सबमिट हो गया फॉर्म। तो सबसे पहले तो इस बिहेवियर को स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए क्या अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं कि जब भी आप यहाँ पे ऑन सबमिट वाले जो इवेंट है उसको फायर करते हो तो इस फंक्शन को कॉल करता है, और इसके साथ वो ऑब्जेक्ट खुद पास हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग उसको रिसीव कर लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि ई के अंदर क्या आया, दैट इज़ द इवेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं ई को अगर प्रिंट करूँ,
तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, पहले इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर क्लिक करते हैं। तो देखो पूरा ऑब्जेक्ट ही आ गया वो फॉर्म वाला, राइट। तो खैर वो तो चला जा रहा है, तो मैं उसके थ्रू क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो अभी हम लोगों के पास एक ऑप्शन है यहाँ से देखने का कि टाइप सबमिट है और ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गया। ऑल राइट, तो इसके अंदर में एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग उसके बिहेवियर को स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज़ करो प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रिवेंट कर देंगे उसके बिहेवियर को, तब वो फॉर्म को सबमिट लेकर के नहीं जाएगा। और अब देखो यहाँ पे हम लोग फिर से क्लियर करते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ पे, राइट। सो वी आर गेटिंग हियर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, राइट। ऑल राइट, सो हेयर इज आवर टारगेट एंड द टारगेट इज फॉर्म, राइट। एंड इन साइड द फॉर्म वी हैव द इनपुट टेक्स्ट एंड हेयर इज द वैल्यू। सो राइट नाउ देर इज नो वैल्यू, राइट। सो यू कैन गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। और आपका ये काम है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि इसके अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर में, और प्रिवेंट तो हो गया। अब रही बात कि इस फॉर्म के अंदर में जो डेटा है, जो यूज़र का इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल रहे हैं, उस वैल्यू को हम लोग फॉर्म के अंदर कैसे गेट करेंगे, राइट। तो एक होता है कंट्रोल्ड फॉर्म और एक होता है अनकंट्रोल्ड फॉर्म। रिएक्ट के अंदर में हमारा प्लेलिस्ट आप जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ पे रिएक्ट फुल स्टैक का एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर में आपको मिल जाएगा कि कंट्रोल्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, अनकंट्रोल्ड फॉर्म क्या होता है, स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे उस सारे चीज़ों को डिस्कस फिर से नहीं करूँगा, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा जा कर के और उस वीडियो को फॉलो कर लो अगर आप नहीं जानते हो, अगर जानते हो देन इट्स वेल एंड गुड, राइट। तो फिर हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, तो ऑन चेंज इवेंट को फायर करते हैं, राइट। और ऑन चेंज में डायरेक्टली हम इस वैल्यू को अपडेट करेंगे, लेकिन इसको अपडेट करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, एक स्टेट वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हम लोग यूज़र का नेम रखेंगे और ईमेल आईडी रखेंगे, सॉरी हमारे पास है मोबाइल नंबर, सो वी विल पुट हेयर द मोबाइल नंबर, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पे उसको रखने के लिए कि इंपोर्ट कर लो यूज स्टेट वाले को, राइट। तो यूज स्टेट हुक है, तो हुक का डिटेल हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर में है, रिएक्ट वाले प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे देख लेना इसको। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ यूज स्टेट हुक, राइट। एंड इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम द रिएक्ट। और यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल बनाएंगे जो स्टेट वेरिएबल होगा, एक होगा जिसमें यूज़र नेम रखेंगे और दूसरा मोबाइल नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूज़र नेम एंड अनदर वन इज़ द फंक्शन सेट यूज़र नेम, राइट। एंड हेयर इज़ आवर यूज स्टेट। और इनिशियली हमारे पास जो वैल्यू होगा यूज़र नेम का वो नल है, अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। दूसरा चीज़ हम लोग को चाहिए मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मोबाइल एंड अनदर वन इज़ अ फंक्शन सो दैट इज़ द सेट मोबाइल, राइट। सो हेयर आई एम यूजिंग द यूज स्टेट एंड इनिशियली इट इज़ अगेन नल। ऑल राइट, तो दो स्टेट वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया, यूज़र नेम एंड मोबाइल। तो जैसे ही हम लोग इस इनपुट बॉक्स के अंदर में टाइप करेंगे कुछ भी, तो वो क्या होता है कि उसका एक ऑन चेंज इवेंट फायर होता है, राइट। तो ऑन चेंज इवेंट जो फायर होगा तो उसके अंदर हम लोगों को इसके वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, राइट। और जो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे उस वैल्यू के थ्रू हम लोग अपने यूज़र नेम जो है स्टेट वेरिएबल और मोबाइल नंबर उसको अपडेट करना है, राइट। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन भी है यहाँ पे सेट यूज़र नेम, और मोबाइल को अपडेट करने के लिए सेट मोबाइल। ऑल राइट, नाउ कम टू द इनपुट बॉक्स एंड लेट्स अपडेट द यूज़र नेम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ऑन चेंज इवेंट को फायर करेंगे। ऑन चेंज इवेंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे और उस फंक्शन के अंदर में इवेंट को पास कर दिया, और यहाँ से यूज़ कर लेंगे सेट यूज़र नेम, ये हमारा फंक्शन है। और इस फंक्शन के अंदर में पास कर देंगे किसको, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। सेम अप्रोच हम लोग अप्लाई करेंगे मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑन चेंज, एंड ऑन चेंज में फिर से फंक्शन कॉल कर लेते हैं एरो फंक्शन सेट मोबाइल, और इसके अंदर में पास कर देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा और यूज़र नेम भी मिल जाएगा, राइट। अब यूज़र नेम और मोबाइल क्या है, उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे कि जब फॉर्म सबमिट करें तो मुझे चाहिए होगा क्या चीज़,
तो उसका यूज़र नेम और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि कॉन्सोल करके प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि यूज़र नेम क्या है। तो यूज़र नेम हम लोगों को मिल जाएगा यूज़र नेम, एंड उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर क्या है तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, एंड दैट इज़ द मोबाइल। ऑल राइट, तो चलते हैं, इसको तो हमको अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, केवल हमको चाहिए यूज़र नेम एंड मोबाइल। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने नाम डाल दिया सपोज़ ललित, एंड मोबाइल नंबर कुछ भी रैंडमली आप डाल दो और सबमिट करते हैं। सो वी आर गेटिंग हियर द यूज़र नेम एंड मोबाइल नंबर। ऑल राइट, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोगों का क्राइटेरिया क्या था कि यूज़र नेम एंड मोबाइल नंबर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो, राइट? अब यहाँ पे वैलिडेशन कैसे चेक करेंगे, सो देखो मेन लॉजिक हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कि यूज़र नेम तो मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया। अब जो वैलिडेशन हम लोग सेट करना चाह रहे थे कि यूज़र नेम एंड मोबाइल नंबर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, दोनों में से अगर कोई भी एक ब्लैंक होगा तो सबमिट नहीं होना चाहिए, राइट? तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको चेक कर सकते हैं कि इफ़ नॉट यूज़र नेम, राइट, और नॉट मोबाइल, अगर दोनों में से कोई एक नहीं है देन आवर फॉर्म इज़ नॉट अ वैलिड फॉर्म, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सोल में लॉग कर देते हैं नॉट वैलिड फॉर्म, या सिंपली आप छोटा सा मैसेज लिखो इनवैलिड फॉर्म, राइट? अदरवाइज हम लोग को मैसेज दिखला देना है कि फॉर्म इज़ वैलिड, राइट? सो कॉन्सोल लॉग एंड देन वी आर राइटिंग हियर द फॉर्म इज़ वैलिड। ऑल राइट, तो चलते हैं हम लोग अपने पेज के ऊपर में, और अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला, यहाँ पे भी कुछ नहीं डाला, और डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आप पहले इसको क्लियर कर लो, सबमिट फॉर्म, राइट? सो इट इज़ गिविंग हियर द इनवैलिड फॉर्म बिकॉज द यूज़र नेम एंड मोबाइल आर नल, राइट? अब यहाँ पे अगर हमने कुछ नाम डाल दिया मनीष और उसको छोड़ दिया, राइट, मोबाइल नंबर मैंने नहीं डाला, फिर भी हम लोगों को इनवैलिड मिलेगा, और मैंने अगर कुछ मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे और फिर क्लिक करते हैं तो बोलता है फॉर्म इज़ वैलिड। वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट अप्रोच है कि जो हम लोग यहाँ पे चाहते थे कि जैसे ही यूज़र नेम हमारा ब्लैंक होता है, राइट, तो इसके नीचे में हम लोगों को मैसेज आना चाहिए कि यूज़र नेम रिक्वायर्ड, राइट? और अगर मोबाइल नंबर हमारा ब्लैंक होता है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड मैसेज आना चाहिए कि मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड, राइट? या जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है उसके बेस पर कि कोई भी एरर आएगा तो उसके नीचे हमको मैसेज चाहिए, ना कि इस जगह पे, राइट? तो फिर हम लोग कैसे उस एरर मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे, राइट? और कैसे और भी हम लोग इसके अंदर में वैलिडेशन पुट कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? So that's all for this video. We will see you in the next video. Keep watching. Thank you all. Bye-bye.